अच्छा आपका कौन सी बैंक में खाता है? सोरल बैंक, स्टेट बैंक में। तो आपको अगर घर बैठे हम सुविधा दे, पैसे निकाल के दे आपको आपकी बैंक में, तो आपको कैसा लगेगा? घर बैठे आपको मिल जाएगा, अगर आपको निकालना हो 100 रुपये से लगा के, तो 1,000 से 10,000 में निकाल सकते हो आप हमारे पास से घर बैठे। तो आपको निकाल के कैसा लगेगा? अच्छा तो लगेगा ना? अच्छा लगेगा। और विश्वास करोगे हम पे? पोस्ट ऑफिस से आए हमें ना, तो पोस्ट ऑफिस ने भी एक सुविधा निकाली APS की, जिसमें आपके बैंक आपके द्वार है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। जब आप चाहोगे, जब हम आपको कॉल करोगे, एक नंबर रहेगा हमारा, या तो पर्सनल नंबर या तो उसमें ही आता है, उसमें एक मैसेज होता है, तो आप मैसेज से कर नहीं पाओगे, तो आप मेरे फ़ोन पे फ़ोन लगाओगे कि हमें पैसे चाहिए, तो हम उस वक्त आएंगे आपको, अगले दिन आएंगे। 15-20 किलोमीटर दूर तक आम ग्रामीण जनता के लिए कोई बैंक और ATM की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे उन्हें अपनी पेंशन, शासन की सारी योजनाओं से प्राप्त राशि निकालने के लिए काफी दूर तक पैदल चलकर जाना पड़ता है, क्योंकि उनके आसपास सड़क एवं यातायात के साधन का भी अभाव है। जब हमारे डाकघर में APS योजना का प्रारंभ हुआ, तब से ही मैंने यह सोचा था कि इस योजना के माध्यम से मैं उन ग्रामीण जनता को घर बैठे ही उनकी बैंक से राशि निकालकर प्रदान कर सकता हूं। APS के माध्यम से पेमेंट बैंक के द्वारा श्री अरविंद धार से शाखा डाकपाल चोरल मोबाइल ATM के रूप में काम कर रहे हैं और इस उद्देश्य को साकार कर रहे हैं। यदि आपका किसी भी बैंक में आधार से जुड़ा हुआ कोई खाता है, और तो आप अपने द्वार पर हमारे पोस्टमैन के माध्यम से अपने खाते से निकासी कर सकते हैं। इंदौर मुफस्सिल संभाग आदिवासी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जहाँ कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आवागमन के आज भी साधन नहीं है। ऐसे लोगों को हम पेमेंट बैंक के माध्यम से शासन की, मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं का पैसा उनके द्वार तक भुगतान करने का कार्य कर रहे हैं।